Yeah. हेलो एवरीवन, दिस इज आवर डे टू इन एलएपी एंड ये है केरला, जिसे कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। तो आज हमने बजट को थोड़ा साइड रखा है और हमने बुक करी है हमारी प्राइवेट बोट। तो दोस्तों, इस व्लॉग में हम आपको इस खूबसूरत हाउस बोट का टूर कराएंगे, आपको यहाँ की पीसफुल विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस देंगे और साथ ही इसको बुक करने का पूरा प्रोसेस, कॉस्ट और डिटेल्स भी बताएंगे। आज की रात हम यही बोट पे रहने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले यहाँ कैसे पहुँचना है, आप अपने घर से ट्रेन या फ्लाइट लेकर डायरेक्ट कोची केरला पहुंच सकते हैं। हमने अपनी कोची जर्नी पहले के व्लॉग में कवर की है, तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। कोची से अलेप्पे सिर्फ 1.5 घंटे और पचपैक्पे में तो डोर है। ये सुंदर गांव अपनी हाउस बोट्स के लिए फेमस है और अगर आप केरला आए हैं तो यहाँ आना मस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का व्लॉग। This is our boat? Yeah. I've come so far from where I began. Miss the sound of the waves, the breeze on my skin. Wish that I could be back in my homeland. Singing dit dit da da dit dit day dit day. Show me the road and I'll be right there. I'd do anything to feel the... So, puri private boat humne book ki hai. इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, शेयरिंग का भी और प्राइवेट बोट का भी, बट वी चोज द प्राइवेट वन। ये है हमारा रूम। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, एकदम लग्जरी। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं, प्रीमियम एंड डीलक्स, और ये हमने प्रीमियम वन ले ली है। एंड आप शेयरिंग बोट भी ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो। उसमें आपको मल्टीपल लोगों के साथ 4-5 रूम रहेंगे पूरी बोट में। ये है बेसिन, यहाँ पे आप दे सकते हैं। इज अवर शेफ, हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? नेम माधव। तो इज माधव, ही इज अवर शेफ फॉर द डे। और ये है किचन। सो गाइस, ये लग चुका है हमारा लंच। दिस इज क्या है ये? आई डोंट नो। ये है थोरन जो कि कैबेज से बना है। ये थोरन जो कैबेज से बना है। ये हो गया अपना फिश फ्राई एंड विद फिश करी। एंड ये है अपना मेजू को पराठी। ओके, व्हिच इज बीन्स फिश फ्राई इज दिस। ये है करीमन फिश, यहाँ की स्पेशल एलएपी की। दिस इज आलू बीन्स, कर्ड, राइस, सैलेड एंड ये है पापड़ हमें मिले हैं। लंच विद अ व्यू। तो अभी हमने लंच किया है, थोड़ा प्रॉपर सब कुछ साउथ इंडियन स्टाइल फ्लेवर्स आ रहा था, तो ऑथेंटिक केरला कुजीन लग रहा था। तो मतलब हमें तो बहुत टेस्टी लगा। और इसमें ऑप्शंस होते हैं, आप जब बोर्डिंग करते हैं तो पूछा जाता है, यहाँ वेज भी अवेलेबल है, नॉन वेज भी है, तो बहुत ऑप्शंस आर अवेलेबल, आपको जो सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं हाउस बोट। वी आर इन द गॉड्स ओन कंट्री केरला। आप व्यू देखिए यहाँ पे सामने।
आपको मैं बोट चलानी सिखाता हूँ. दिस इज द लीवर. इफ यू टर्न इट, इट मीन्स स्पीड इज हाई. आई कैन फील द स्पीड. द बोट इज गोइंग फास्ट. दिस इज टू मूव द बोट राइट एंड दिस इज टू मूव द बोट लेफ्ट. नाउ आई विल कीप द बोट स्लो अगेन. दीज आर द गियर्स. यू कैन चेंज द गियर. अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइज. आप जरूर बुक करें हाउस बोट. जिसके अंदर एक डेडिकेटेड कमरा, डाइनिंग एरिया और कैप्टन और शेफ मिलता है हमें. इसमें दो होती है, प्राइवेट बोट और शेयरिंग. हमने प्राइवेट बोट बुक किया तो पूरी एंटायर बोट में हम ही हैं और हमारा कैप्टन और एक शेफ है. आप शेयरिंग बोट लेंगे तो उसमें आपको मल्टी अलग अलग रूम्स होंगे और उसमें आपको बाकी लोगों के साथ ज्वाइन करना होगा. प्राइस ऑफ दिस बोट इज़ 12K फॉर द प्रीमियम एंड 10K फॉर द डीलक्स बोट. और आप शेयरिंग में जाएंगे तो शेयरिंग अराउंड 7,000-7,500 तक हो जाएगी. और ये रेट्स सीजन टू सीजन वेरी करते हैं. तो अगर आप सीजन में आ रहे हैं तो इसको एडवांस में बुक करें. तो पीक सीजन इज नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी फॉर कमिंग ईयर. तो जैसा कि हमें कैप्टन ने बताया था, बोट की सारी इन्फॉर्मेशन दी कैसे चलाते हैं, तो इतना भी आसान नहीं है. दिखने में लगता है बहुत ईजी है, पूरी बोट को मैनेज करना पड़ता है. तो इसको चलाने के लिए हमें कोई लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? कौन सा? होटल मरीन लाइसेंस. ओह, सो मरीन लाइसेंस चाहिए आपको अगर आपको बोट चलानी है. इसमें हॉर्न नहीं होता क्या? हॉर्न हॉर्न. तो दिस इज द हॉर्न ऑफ द बोट. यहाँ पे बीच में मसाज सेंटर्स भी आते हैं जो कि यहाँ के फेमस हैं आयुर्वेदिक मसाजेस. बट हमारा प्लान ये है कि हम वो मुन्नार में करेंगे क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ह्यूमिड है तो सारा चिपचिपापन में ऑयल की मसाज होगी तो वो मज़ा नहीं आएगा. मुन्नार इज़ कोल्ड, वहाँ ठंडा मौसम है. तो वहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक मसाज वहाँ करवाएंगे. और इसके अलावा शाम में हम यहाँ पे जाएंगे, एक मार्केट है, फिश मार्केट, वहाँ बोट जाएगी, वहाँ रुकेंगे. तो आपको दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. तो गाइज, हमने जो कल बजट ट्रिप किया था उसका हम आज फ़ायदा उठा रहे हैं. हमने कल काफ़ी पैसे सेव कर लिए थे लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके. एक लोकल एडवेंचर भी हो गया और लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गया हमें. दोनों चीज़ें हो गई और पैसे भी बच गए. और वो पैसे हमने आज यहाँ यूटिलाइज़ किए हैं. एकदम लग्जरी बोट है, प्राइवेट बोट. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, LAP आएँ तो कोई बात नहीं, एक डेढ़ घंटे की बात है. आप लोकल ट्रांसपोर्ट लें, 75 rupees पर पर्सन की टिकट है, आप पहले भी पहुँच जाएंगे. टैक्सी लेंगे तो आई थिंक 1.5 to 2,000 rupees लगेंगे टैक्सी के. तो वहाँ आप सेव कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में. जैसे हमने ऑटोज लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, फिर जब हम LAP और कोची गए हमने होम स्टे लिए. तो इन जगहों पे हमारे पैसे सेव हुए इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर रिजॉर्ट्स. और आज हमने यहाँ पे रिजॉर्ट काइंड ऑफ हम लग्जरी ले रहे हैं. तो अगर आप बजट ट्रैवलर्स हैं तो आप ये सब पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, हमारी टिप्स फॉलो कर सकते हैं. बट अगर आपका पैसा है खुला तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. केरला आएँ, पैकेज बुक करें टूर एंड ट्रैवल से और हर दिन दिवाली मनाएँ, हर दिन लग्जरी लें. लेकिन हम थोड़ा लोकल एडवेंचर भी लेना चाहते थे. हम गरीब नहीं हैं लेकिन हमें एडवेंचर चाहिए तो कट हो जाएगा. हम गरीब नहीं हैं, अफोर्ड कर सकते. ये उनके लिए है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो लग्जरी भी चाहते हैं और जेब भी टाइट है. तो वो लोग ये सब टिप्स फॉलो कर सकते हैं. और हमारी टिप्स अगर आपके लिए यूज़फुल हैं और आप केरला प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो गाइस डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो. और हम आपको इसकी आइटनरी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी आइटनरी हमें हमारी मिल जाएगी. इंद्रप्रस्थम हाउस बोट, तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा ओनर का, तो आपको मिल जाएगा. वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सामने तो यहाँ पे फेरीज आती हैं और बस स्टॉप की तरह वो लेडी बैठी है, फेरी आएगी और पिक करेगी एक ड्रॉप से दूसरे ड्रॉप पे. तो मतलब अलग ही लाइफ है यहाँ पे, बस सब पानी में है. जैसे हम रोड्स पे सड़कों पे देखते हैं चीज़ें, सब वैसी ही हैं, बस सब अंडरग्राउंड पानी में. आइए, हम जा रहे हैं अब आगे फिश मार्केट पे और खाने पीने की मार्केट है. कुछ भी हमें लेना हो तो वहाँ हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, हम वहाँ रुकेंगे. Guys, we don't have drone, so
वी आर न्यू यूट्यूबर्स, अभी ड्रोन के हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो हम जाके ड्रोन भी ले लेंगे आने वाले टाइम में, तो अभी तो ऐसे ही शॉर्ट्स लेने पड़ रहे हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं फिश मार्केट पे, अभी ये बोट यहाँ लग रही है। लेट्स गो टू द मार्केट, हमारा स्टॉप आ चुका है, बहुत ही सुंदर अमेजिंग स्टॉप है। पैर नीचे गया तो गिर गए तो बचाएगा कौन? तैरना आता है? नीचे नहीं है पैर, ज्यादा नीचे नहीं है, आपको तैरना आता है क्या? नहीं आता। किसने पैर रखना है? हाँ ये तो नहीं होगी, मैं हूँ ना। आइए आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं, कैसी मार्केट है यहाँ पे बोट साइड में, सॉरी रोड साइड नहीं, सी साइड में, एक्चुअली दिस इज अ लेक, लेक साइड में, सी नहीं है ये। ये दो अलग अलग है, फर्क क्या है दोनों में? 70 60। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस? नेचुरल केरला स्पेशल। हां केरला स्पेशल है, नेचुरल वन दिस केरला स्पेशल। एनी डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वन एंड केरला स्पेशल? सेम है, मतलब मेरे को इतना कुछ सेम ही है, कलर का फर्क है। कलर का फर्क है। What are the other options? These are the tiger prawns, right? What is this? Tiger prawns is बड़ा वाला। ये बड़ा वाला, इसे सेम बड़ा वाला आ गया। ये और छोटा वाला, दिस वन से छोटा वाला, ये कलमरी से टूना हलवा। Where is टूना? दिस वन। ये टूना मिर्ची, ये हलवा मिर्ची। दिस वन इज टूना। आपको पकड़ो क्यों नहीं है, आपको इधर से डेप्पा में है। ये कौन सा है? रावास मच्छी। अच्छा रावास मच्छी, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस रावा? दिस वन 1000 रुपीस केजी, बंगड़ा मच्छी 700 रुपीस केजी, एंड दिस ट्यूना 700 रुपीस केजी। कौन से? दिस वन 1800 रुपीस है, ये दोनों 2000 रुपीस है 1 केजी, ये छोटा वाला 1600 रुपीस केजी। 1600 एंड दिस इज टाइगर प्रॉन, ये कितने रुपए के जी है? 2000 रुपीस के जी। ये 1000 रुपीस, 1200 रुपीस के जी। ये जिंदा वाला मड क्रैब से, ये वाला 1600 रुपीस के जी। तो के जी में कितने आते हैं ये? के जी में 4 पीसेस में। फिश मार्केट से हमने लिए हैं टाइगर प्रॉन्स व्हिच वाज 2000 रुपीस के जी। आई थिंक यहाँ पे रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं लेक साइड में बिकॉज ऑफ, बट वो बोल रहे हैं लेक के प्रॉन्स हैं तो ठीक है। तो हमने हाफ के जी टाइगर प्रॉन्स लिए हैं 1000 रुपीज़ के, और एक क्रैब लिया है विच इज़ 200 ग्राम्स और वो 1600 रुपीज़ के जी था। तो हमने 200 ग्राम्स में एक क्रैब आता है वो लिया है, और कुक बोला कि आप जो लोगे वही मैं बना के खिलाऊंगा। तो लेट्स सी, एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ का फ्रेश सी फूड लेके, और हमारे हाउस बोट में ही बनेगा वो प्रॉन्स। मैंने कल खाए थे पहली बार, मुझे काफ़ी टेस्टी लगे थे, अब पता नहीं कैसे होंगे। हमने क्रैब भी लिया है, हमने क्रैब भी लिया है, तो हमने क्रैब लिया है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, खा के देखते हैं। और बाकी हमने टाइगर प्रॉन्स लिए हैं जो कि साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, आपको दिखाया था। तो लेट्स सी, अब चलते हैं बोट पे, यहाँ पे मार्केट आई थिंक कितनी है। व्यू काफ़ी अमेजिंग है, आप देखिए कितना ग्रीनरी है, ये सब बोट्स लाइन से खड़ी हैं यहाँ पे, और वो हमारी बोट है, वही चलते हैं। अभी हो गया हमारा स्नैक्स का टाइम, और स्नैक्स में हमारे पास पकौड़े एंड टी और कॉफ़ी में से हमारे पास ऑप्शन था, तो हमने लिया है कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ गुड एंड पकौड़ा ज़रूर।
अब हम डॉक कर चुके हैं, टाइम 5:36 के अराउंड हम लोग यहाँ पे डॉक कर चुके थे। ये छोटा सा आई थिंक कोई विलेज है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और सुबह 6:45 पे दोबारा हमारी बोट स्टार्ट होगी एंड विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल प्लेस। एंड ये देख सकते हैं हम थोड़ा वॉक वॉक कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। सो अच्छा लग रहा है, सनसेट हो रहा है, सनसेट का व्यू आ रहा है और मौसम भी अच्छा है, ठंडा हो रहा है। सो लेट्स गो। इसमें से निकल रही है मछली डायरेक्ट? ओह, यू आर कैचिंग फिश। हाउ? सो गाइस, ये भी एक तरीका है मछली पकड़ने का। व्हेन फिश विल कम? लाइक इट विल कम ऑन दिस एंड देन यू विल टेक इट आउट। तो गाइस, बेसिकली 90% लोग यहाँ पे ऐसी फिश पकड़ते हैं और डेली उनका खान पान यही है। No fish. भटक रहे हैं केरला की रोड्स पे। ये पैडी फील्ड्स आपको दिख रहे होंगे पीछे। इवनिंग का टाइम है, अभी 2 घंटे में हमारा डिनर लग जाएगा। टाइम हो चुका है 6:40 एंड हम वॉक करके आ गए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा वॉक करके, न्यू नेचुरल ब्यूटी हमने एक्सप्लोर करी, विलेज एक्सप्लोर किया। और अब हम करेंगे डिनर एंड उसके बाद हम जल्दी सो जाएंगे ताकि हम सुबह 6:00 तक उठ जाएं, सो वी डोंट मिस द सनराइज। सो गाइस, आवर डिनर इज रेडी। दिस इज राइस एंड दिस इज क्रैब रोस्ट, दिस इज चपाती, वाटर बॉटल्स, दिस इज दाल, दिस इज आलू प्याज की सब्जी एंड दीज आर द स्टार ऑफ द डे, टाइगर प्रॉन्स रोस्ट एंड दिस इज चिकन। दिस इज द एंटायर डिनर। व्हाट एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग गाइस, के बजे हैं 6:30 और हमने यहाँ से कर दी है बोर्डिंग। क्या कर दी हमने? हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और हम वापस अपने डॉकिंग स्टेशन पे जा रहे हैं। सो बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह इतना जल्दी उठ के। बैक टू बेसिक्स, ज़मीन पर वापस 24 घंटे स्पेंड करने के बाद पानी के बीचों बीच खाना पीना सोना धोना सब हमने पानी में किया 24 आवर्स। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कृति, व्हाट वाज योर वर्ड्स? बहुत अमेजिंग, मतलब वर्थ इट एक्सपीरियंस था। मतलब इसके लिए वर्ड्स नहीं है। लोग पूछते हैं कि हाउस बोट रियली वर्थ है क्या, कैसा एक्सपीरियंस था, तो आई थिंक कोई वर्ड नहीं है इसको, क्या बोले, सुकून, ब्लिस, मतलब वो भी मतलब अमेजिंग और वंडरफुल, बहुत छोटे वर्ड्स हैं इसके लिए। ये आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस कर पाएंगे बोट पे, मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस तो बनता है। हम लोगों ने बोला था कि तुम बोर हो जाओगे, बट वी डिडंट फील लाइक इट। एक्चुअली वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी सो मच। तो
अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन है तो जैसे कि एनिवर्सरी थी हमारी, तो आई थिंक इट्स वर्थ आप ऐसी जगह पे स्पेंड करें। रिजॉर्ट्स में तो कभी भी कहीं भी गोवा वगैरह कहीं भी रह लेते हैं और ये एक्सपीरियंस हर जगह नहीं मिलता। यस राइट हमने बीच में प्लान चेंज कर लिया था कि हम शिकारा में 3-4 घंटे घूमेंगे, क्यों इतना पूरा दिन पानी में रह के क्या करेंगे, और फिर हम और कुछ एलएपी में एक्सप्लोर कर लेंगे। बट आई थिंक एलएपी फेमस ही इसके लिए, बैक वाटर्स के लिए, तो हमें वहीं पे पूरा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तो कृति ने ओपिनियन दिया और हमने उस पर क्या किया, अमल किया। चलो ठीक है फिर गाइस, अब खाना वाना खाएंगे और निकलेंगे वर्कला के लिए। और अगर हम जल्दी नहीं उठते, लाइक अगर हम लेट हो जाते तो हम सिर्फ ये वाला व्यू देखते और हम मिस कर देते हमारा यू नो बोट हाउस का जो अभी क्रूज था, जो हम 1 घंटे का विंडो था। सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप अपना फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ज़रूर उठ जाइए। सो गाइस ब्रेकफास्ट टाइम बज चुके हैं 8 और ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। कोकोनट चटनी, दिस इज सांभर, इडली, ओ इडली। भाई खाना बढ़िया था कल, बहुत मज़ा आ गया। वाइज इज माधव और उसने हमें बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया, मज़ा आ गया। ये छोटा सा एक गिफ्ट हमारी तरफ से, ऐसे ही लगे रहो, मिलते हैं कभी फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, अब बस हम निकलने की तैयारी करेंगे यहाँ से और उसके बाद जाएंगे वर्कला बस एलएपी बस स्टैंड और वहाँ से जाएंगे वर्कला। ओके तो मिलते हैं आगे की जर्नी में, टिल देन बाय बाय। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू टू शॉर्ट्स ऑफ एडवेंचर फॉर मोर एडवेंचर कंटेंट।